से खबर है जहां ऐतिहासिक आधा उदल की नगरी को पर्यटन स्थल के रूप में प्रचलित करने की सराहनीय पहल महोबा के कलेक्ट्रेट में देखने को मिली, जहां स्कूली छात्राओं द्वारा कलेक्ट्रेट भवन की दीवारों पर खगरामट, गोरखागिरी पर्वत, सूर्य मंदिर आदि स्थानों की कलाकृतियों को दीवारों पर उभार कर अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोबा की प्रेरणा से GIC की छात्राएं अपनी कला कौशल के जरिए महोबा की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को चित्रकारी और रंग भरकर संजोने का बेहतरीन कार्य कर रही हैं। इससे जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं छात्राओं की भी प्रतिभा निखरेगी। कितने सारे बनाने हैं? ये अभी हम लोगों की टीम पेंटिंग बनाई जा रही है जो अच्छी होंगी। अभी हमें हर जगह चौराहों पर और अच्छी अच्छी जगहों पर बनाने का मौका मिलेगा। कौन से स्कूल से आप? हम राजकीय इंटर बालिका कॉलेज। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम यशस्वी तिवारी है, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से। अच्छा, ये जो पेंटिंग आप बना रहे हैं, क्या है ये पेंटिंग और क्या उद्देश्य है इसको बनाने का? सर ये हम गोरखगिरी पर्वत बना रहे हैं। इसका उद्देश्य हमें DM सर ने बोला है कि हम लोग को ये बनाना है जिससे छात्राओं का मनोबल बढ़े। और ये पेंटिंग हम इसलिए बना रहे हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हमारा महोबा है बुंदेलखंड है, पिछड़ा जिसे बोलते हैं, लेकिन हमारा महोबा पिछड़ा नहीं है। हमारी यहाँ की छात्राएं मेहनत कर रही है, पेंटिंग बना रही है, और DM सर का भी यही उद्देश्य है कि जिससे छात्रों का मनोबल बढ़े और हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ावा मिले। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो महोबा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है, तो अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर अपने नगरवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी पर्यटन स्थल है आप उनको देखिए, उनके बारे में समझिए, जानिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए कि ये हमारी जो सभ्यताएं हैं, ये जो हमारी धरोहर है, ये कब बनी थी, इनका निर्माण क्यों किया गया था, और भी कई सारी चीजें हैं। लोगों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी जो ऐतिहासिक चीज है ये आगे इनको हमें इनको संरक्षण करना है, इनको हमें बिटने नहीं देना है, बल्कि इनको और संभालना है और इनकी रक्षा करनी है। इन लड़कियों को DM सर ने निर्देश दिया था कि ये अच्छा, उन्होंने कुछ पिक्चर इनके देखे हुए थे बनाया हुआ स्केच, तो उन्होंने ये निर्देश दिया था कि ये लोग जगह जगह पे बनाएं, जैसे हमारी मेन मेन जो फेमस जगह हैं चौराहे, अदर जगह जो दीवारें हैं। इससे ये हुआ कि जो हमारी धरोहरें हैं वो आगे बढ़ेंगी, उसके बारे में लोग जानेंगे, और ये जो बच्चियाँ हैं इनका मनोबल बढ़ेगा और इनको आगे अवसर मिलेगा। जैसे हम अभी इनके बारे में मुझे नहीं पता था, तो पूरा कलेक्ट्रेट इनके बारे में जान गया। आगे जब ये फेमस जगहों पे बनाएंगे तो और लोग इनके बारे में जानेंगे। तो DM सर का ये उद्देश्य है कि इनको आगे फ्यूचर में और अवसर मिले इस क्षेत्र में, इसीलिए उन्होंने इनसे ये